एलएन रिन्यूएबल सिस्टम में सब लोग का स्वागत करवा रहे। आज हम लोग बेसिक से अवेलेबल पार्ट 24 के बारे में देख रहे हैं। आप पार्ट 1 टू 24 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारा चैनल में हम लोग प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसका अंदर जाके बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 1 टू 25 हिंदी बोल के आप ढूंढेगा तो आपको मिल सकता है। हमारा डिस्कशन से बहुत सारा जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड अब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म्स हम लोग यूज करेगा। अगर उसमें कुछ डाउट हो तो भी ये पार्ट को आप रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रिकल गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज, वो सबका नाम हम लोग बहुत सारा जगह में ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो भी आप ये पार्ट को रेफर कर सकते हैं। क्या क्या चीज आज देखने वाले हैं? हम लोग कैसे ब्रशलेस डीसी मोटर को हॉल सेंसर से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, एंड हमारा कंट्रोलिंग का डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर है तो उसमें वेक्टर कंट्रोल हम लोग कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एंड ये 48 स्टैंडर्ड से यूज करके हम लोग बैटरीज को कैसे हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, क्रैश सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, पावर ट्रेन साइजिंग कैसे कर सकते हैं बोल के आज आप लोग देखेंगे। हॉल इफेक्ट सेंसर के बारे में आप देखेगा तो उसमें ऐसे 12 जोन्स हम लोग स्प्लिट करके फॉर इन 360 डिग्री मैकेनिकल रोटेशंस में 12 जोन स्प्लिट करके देखेगा, ठीक है। हम लोग 3 सेंसर लगा के ओके हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर को हम लोग कंट्रोल करवा रहे हैं। एक्सपेशली बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट सेंसर का एनेबलिंग डिसेबलिंग ऑप्शन का सबसे उसके हिसाब से हमको फेस करंट को हम लोग क्रिएट करके देखेगा। मान लीजिए अभी देख लीजिए हर एक क्वेश्चन में अलग अलग फेसेस को हम लोग क्रिएट करवा रहे हैं। अब ये लाइन से आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव लाइन से बेस्ड ऑन द हॉल इफेक्ट सेंसर का पोजिशन ओके हम लोग फेस वोल्टेज को जनरेट कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोग बीएलडीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्यूटेशन स्ट्रेटजीज के बारे में देखिएगा तो हम लोग सिक्स स्टेप ट्रेपेजॉइडल कंट्रोल दैट फॉर एवरी 120 डिग्री एनेबल करके हम लोग चेक कर सकते हैं। दूसरा साइनसॉइडल कंट्रोल है तो भी 180 डिग्री में आप कंट्रोल करके चेक कर सकते हैं। ये ट्रेपेजॉइडल कंट्रोल का फायदा क्या है, वो बहुत सिंपल है उसका कंट्रोल एल्गोरिथम, ठीक है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर लोअर एंड एप्लीकेशन हम लोग इस सिक्स स्टेप ट्रेपेजॉइडल कंट्रोल ही ज्यादा यूज करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका एक डिसएडवांटेज के बारे में आप देखेगा तो टॉर्क रिपल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, परफॉर्मेंस भी थोड़ा लिमिटेड है, ओके। बरस साइनसॉइडल के बारे में ये तो इजी टू इंप्लीमेंटेड है, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मिड रेंज परफॉर्मेंस एप्लीकेशन लाइक स्पीड एंड टॉर्क कंट्रोल हम लोग साइनसॉइडल में कर सकते हैं। फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल इसके बारे में आप देखेगा तो क्यों हम लोग ये टेक्निक यूज करवा रहे हैं, क्योंकि इसका एफिशिएंसी अच्छा है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑपरेशन, ओके। इसका रेस्पॉन्सिव स्पीड कंट्रोल बेस्ड ऑन द लोड वेरिएशन बहुत अच्छा है। हम लोग डीकपल्ड कंट्रोल बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड फ्लैक्स हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नॉइस रिडक्शन है ना साइनसॉइडल वेव फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रिवर्सल्स है ना एक्टिव मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं। वेक्टर कंट्रोल में आप देखेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सो फर्स्ट थिंग हमको डिमांड टॉर्क कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द ब्रेक पेडल एक्सीलरेशन व्हीकल स्पीड हम लोग डिमांड टॉर्क कैलकुलेट करेगा। उसके बाद व्हेन वी वंस वी गेट डिमांड टॉर्क हम लोग क्या करेगा, वो करंट का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। उसके बाद पीआईडी लूप के अंदर घुसेगा कंट्रोलर के अंदर। फर्स्ट थिंग इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ क्लार्क प्रोसेस इज हैपनिंग। सेकेंड प्रोसेस इज द पार्क प्रोसेस, उसका सबसे लास्ट एक पल्स विथ मॉड्यूलेशन से इन्वर्टर को रिक्वायर्ड करंट एंड वोल्टेज दे के इंडक्शन मोटर को कंट्रोल हो जाएगा। एंड इवन कुछ जगह में हम लोग फीडबैक भी ले रहे बिकॉज वंस हमको इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ फ्लक्स एंड टॉर्क मिलेगा उसके बाद हम लोग इन्वर्स पार्क ऑपरेशन हमको करना पड़ेगा एंड इन्वर्स क्लार्क भी हमको करके हमारा एंटेर वैल्यूज है ना हमारा कंट्रोलर से हमको मॉनिटर करके कंट्रोल करना पड़ेगा। सो कभी भी एक रोटेटिंग फ्रेम का एग्जैक्ट पोजिशन लोकेटिंग आप इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड स्टेशनरी फ्रेम आप वही रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जाके आप फोकस कर सकते हैं। सो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल में समरी आप देखेगा तो हम लोग एज थ्री फेज को एज स्टेशनरी कन्वर्ट करने के लिए क्लार्क मेथड यूज करवा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको रोटेटिंग टू स्टेशनरी कन्वर्ट करने के लिए पार्क मेथड हम लोग यूज करवा रहे हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग प्रोसेस इधर ही हो रहा है वेर डी क्यू कंट्रोलर्स है। सो इसका काम क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ फ्लक्स एंड टॉर्क इधर ही हो रहा है, उसके बाद इनवर्स पार्क ऑपरेशन इनवर्स क्लार्क ऑपरेशन हो रहा है, सबसे लास्ट में हमको आउटपुट मिल रहा है। सो अगर फ्लक्स के बारे में आप देखिएगा तो एक्सपेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स व्हेन वी ड्रॉ द वेवफॉर्म बिटवीन द टॉर्क एंड द स्पीड, ओके,
कम हो जाएगा, ओके, एज स्पीड इंक्रीजेस। सो कम्यूटेशन स्ट्रेटजीज के बारे में आप देखेगा तो वी हैव थ्री डिफरेंट कम्यूटेशन मेथड्स, एक इज ट्रापीजॉइडल, साइनसॉइडल एंड फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल के बारे में देखो, तीनों एक्सेलेंट मेथड्स है। टॉर्क कंट्रोल में देखेगा तो ट्रापीजॉइडल में टॉर्क रिपल होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, हाई स्पीड में थोड़ा एफिशियंट है। साइनसॉइडल ओनली फॉर लो स्पीड बहुत अच्छा है, ठीक है, हाई स्पीड में इट इज इनएफिशियंट वन। पर एज फील्ड ओरिएंटेड इट इज एक्सेल फॉर बोथ लो स्पीड एज वेल एज हाई स्पीड कंट्रोल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा फीडबैक रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग सेंसर्स यूज करवा रहे हैं। फॉर ट्रेपिसाइडल कंट्रोल हम लोग हॉल इफेक्ट सेंसर यूज करेगा, इसका एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो है। साइनसॉइडल है तो हम लोग एनकोडर्स एंड रिसॉल्वर्स यूज कर सकते हैं, उसका एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा मीडियम है। फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल है तो हम लोग करंट सेंसर और एनकोडर्स यूज कर सकते हैं। ट्रैक्शन बैटरी का एक सर्टिफिकेशन है, वो AAS-48 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना पड़ेगा। इसमें बैटरी को शॉर्ट सर्किट चेक करेगा, ओवरचार्ज टेस्ट करेगा, शॉक टेस्ट देके चेक करेगा, ठीक है, वो भी 30 ग्राम एम्पलीट्यूड फॉर 15 माइक्रो सेकेंड्स ड्यूरेशन दिएगा, ठीक है, एंड वाइब्रेशन टेस्ट भी चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में नेल पेनिट्रेशन भी चेक करेगा। पास क्राइटेरिया क्या है, कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होने का, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स उसके अंदर मेल्ट नहीं होने का, एंड सबसे लास्ट में देयर शुड नॉट बी नो फायर और नो एक्सप्लोशंस, ओके। सो BMS का फंक्शनलिटी के बारे में देखेंगे तो उसका काम है शॉर्ट सर्किट, एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने का, ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने का, ओवर डिस्चार्ज को प्रोटेक्ट करने का, ओवर टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करने का, ओवर करंट को प्रोटेक्ट करने का, लो टेम्परेचर को प्रोटेक्ट करने का। क्रैश सेफ्टी का रिक्वायरमेंट के बारे में देखेगा तो AAS-009 लेटरल कोलिशन के लिए, AAS-098 फ्रंटल कोलिशन के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव सम रियर एंड क्रैश टेस्ट, ओके, इलेक्ट्रोलाइट स्पिलेज एंड इलेक्ट्रोलाइट शॉक प्रोटेक्शन टेस्ट भी है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आप एक पावर ट्रेन साइजिंग के लिए प्लान कर रहे हो, भी आपको व्हीकल मूविंग अपहिल में रखे उसका बहुत सारा एक्टिव फोर्स का आप कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग का लोड कंडीशन चार हो सकता है, पांच हो सकता है, उसमें एरोडायनेमिक ड्रैग, रोलिंग रेसिस्टेंस, चेंज ऑफ ग्रेड, एसिलरेशन रिक्वायरमेंट, लॉसेस इन द मैकेनिकल गियरिंग एंड गियरिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग रेसिस्टेंस कैसे हम क्लैच हो सकते हैं, FR = मास इंटू ग्रेविटी इंटू कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन एंड रोड एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको पैरामीटर्स बेसिकली हमको पावर को चाहिए था, विद द हेल्प ऑफ द फोर्स एंड द वेलोसिटी हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। रोलिंग रेसिस्टेंस ओके बेस्ड ऑन द कंडीशंस अलग हो जाएगा। मान लो कार टायर कॉन्क्रीट में रोलिंग रेसिस्टेंस 0.013 हो सकता है, अगर ग्रेवल रोड होती भी 0.02 है, ओके, अनपेव्ड रोड होती भी 0.05 है, फील्ड होते भी 1 to 0.35 है, व्हील ऑन आयरन रेल्स तो भी 0.01 to 0.002 है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा व्हीकल का टायर में आप देखेगा तो भी ऐसा एक इंडिकेशन आप देख सकते हैं, मॉडल देख सकते हैं, ये इसका लेंथ है, ठीक है, ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, एंड इसका एंटायर डाया है, ठीक है। एरोडायनेमिक ड्रैग कोएफिशिएंट है, व्हीकल टाइप का सबसे अलग अलग होगा। ओपन कन्वर्टर तो भी एक कोएफिशिएंट है, वैन टाइप के लिए एक अलग है, के पॉन्टन टाइप के लिए, ऑप्टिमम स्टील लाइन डिजाइन के लिए अलग है, के शेप के लिए अलग है, ठीक है। ग्रेड इन डिग्री अब देखिएगा तो आपको ओके स्लोप इन डिग्रीज कैलकुलेट करने का, आपको परसेंटेज पता है तो भी ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं आप स्लोप इन परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, आपको डिग्री पता है तो भी ये फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में हमको टोटल रेसिस्टेंस चाहिए, तो उसके लिए रोलिंग रेसिस्टेंस प्लस एरोडायनेमिक रेसिस्टेंस प्लस ग्रेडियंट रेसिस्टेंस प्लस एसिलरेशन रेसिस्टेंस, सो ये हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो, ओके, हेल्प अस टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने तो भी अब हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट मैं दे चुका हूँ। हम लोग PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीमेंस एलन ब्रॉडली डेल्टा PLC प्रोग्रामिंग चाहिए तो भी हम लोग वो प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग ऐसे ट्रेनिंग देंगे अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिक्स के बारे में समझना पड़ेगा तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सोलर स्ट्रीट लाइट्स सोलर पंप सर्विसेज हम लोग डिजाइन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सोलर
मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको जीसीसी कंट्रीज में काम करने के लिए मौका मिल रहा है, स्पेशली कतर, ओमान, सऊदी कंट्रीज में आपको बिल्डिंग मैनेजमेंट में काम मिल रहा है, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम मिल रहा है। आप वो काम सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है तो भी हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग दे सकते हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ, धन्यवाद।